दोस्तों आपके द्वारा कमेंट किए हिंदी का इंग्लिश जो इस प्रकार है, ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्रय मूल्य को इंग्लिश में परचेज प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं।